स्केटबोर्ड पर करामात दिखा रहे 35 साल के डेविड लेबोसर अपनी व्हीलचेयर पर स्केटबोर्डिंग के हर फन के माहिर बन चुके हैं। हर नई चाल एक चुनौती होती है, जिसमें दर्द भी है और रोमांच भी। जब आप वो करते हैं जो आप हजारों बार पहले कर चुके हैं और आखिरकार आप कर गुजरते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। जैसे मेरे लिए हैंड प्लांट है। कोई एक चाल होती है जिसे सीखने की कोशिश मैं सालों से कर रहा था, वो मुझे समझ में आ जाती है और आखिरकार मैं उसे बिल्कुल सही अंजाम देता हूँ। उस दिन वही किया मैंने। खुशकिस्मती से उसका वीडियो भी है, समझाया नहीं जा सकता क्योंकि पहली बार में तो मैंने महसूस ही नहीं किया। मैं बस लुढ़कता चला गया और सोचने लगा वो क्या था। मैंने अपना हेलमेट हवा में उछाल दिया। इतनी जबरदस्त खुशी का पल था, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। डेविड लेबोसर स्केटबोर्डिंग को जीवन शैली और खेल दोनों की तरह देखते हैं। दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, दूसरे शहरों का दौरा करने को तैयार रहते हैं, जैसे कि यहाँ बर्लिन में। मैं स्केटबोर्डिंग और BMX राइडिंग और उन जैसी दूसरी चीजों को एक साथ लाना चाहता हूं, ताकि ये खेल दूसरों के लिए भी थोड़ा खुल सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें अपने किस्म का व्हीलचेयर स्केटिंग कल्चर चाहिए, बल्कि उसे और समावेशी सामुदायिक चीज बनाना चाहिए। शानदार स्टंट राइडिंग के लिए स्केटर खास किस्म में ढली और स्प्रिंग वाली व्हीलचेयरों का इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें ऐसी सजाओं से बचाता है। सिर्फ एक कदम से शुरुआत होती है, फिर दो, तीन और चार, और अब मैं चार कदम आसानी से कूद सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़ता हूँ तो कहानी कुछ अलग हो जाती है। डेविड लेबोसर 21 साल की उम्र से ही व्हीलचेयर पर हैं। वो सीढ़ियों से गिर गए थे, शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मैं करीब 14 साल से ये कर रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट 14 साल पहले हुआ था। मैं पुनर्वास केंद्र में ही था जब मैंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे मजे के लिए तमाम किस्म की चीजें आजमाना शुरू कर दी। ऊपर और नीचे के कदम और सीढ़ियाँ, आगे चलकर स्केटिंग भी आ गई। तब से उन्होंने खुद को स्केटिंग के लिए समर्पित कर दिया, कड़ा अभ्यास किया, स्टंटों पर महारत हासिल की। उन्होंने 2014 में विश्व मुकाबला जीता, दो बार जर्मन मुकाबला जीता और अमेरिका में कई बार दूसरे विश्व मुकाबलों में तीसरे नंबर पर रहे। मैं चैंपियन बनने या प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए उतावला नहीं था, लेकिन जब मैं प्रतिस्पर्धा में होता हूं, तो हर मुमकिन तरीके से अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित रहता हूं, बढ़िया से बढ़िया करता हूं। फिर मैं चाहता हूं कि जूरी भी मेरे काम को शाबाशी दे। व्हीलचेयर मोटरक्रॉस सोसाइटी दुनिया भर में मुकाबले आयोजित करती है। पूरे जर्मनी से व्हीलचेयर स्केटर्स महामारी के 2 साल के अवरोध के बाद बर्लिन ओपन के पहले मुकाबले में भाग लेने पहुंचे थे। सभी आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ज्यूरी में कोई और नहीं, डेविड लेबोसर खुद थे। विश्व चैंपियन और 2 बार जर्मन चैंपियन रहने के बाद वो युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं, सिर्फ एथलीट के तौर पर नहीं। सबसे ज्यादा व्हीलचेयर वाले बच्चों के लिए ये जरूरी है कि एक ऐसा रोल मॉडल हो जो खुद भी व्हीलचेयर चलाता हो। न सिर्फ वे चालों की नकल कर सकते हैं, वे और भी चीजों की नकल कर सकते हैं, जैसे मैं रोजमर्रा का काम कैसे करता हूँ और उन मुश्किलों का सामना कैसे करता हूँ जो अक्सर उनके माता पिता नहीं देख पाते। पारंपरिक स्केटबोर्डिंग की तरह व्हीलचेयर स्केटिंग को खतरे वाला खेल माना जाता है। बमुश्किल ही कोई इस हॉल से चोटिल हुए बिना जा पाता है, लेकिन ज्यादा गंभीर चोटों से बचाव के लिए, खासकर सिर और गर्दन की चोटों के लिए, हर व्यक्ति हेलमेट और सुरक्षा पोशाक पहनता है। ये देखकर संतोष होता है कि जो समय उन्हें मिला है उसमें वे जो दिखाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया है। स्टेज उनका है और वे खुद को पेश कर सकते हैं। मैं कहूँगा इस खेल की नई पीढ़ी आश्वस्त है। बर्लिन में व्हीलचेयर स्केटिंग के जाबाजों के बीच सबके लिए ये एक मार्मिक अनुभव है। अलेक्जेंडर प्लाट्स पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। यहाँ एक जुड़ाव और मेल जोल का एहसास होता है। एक रोमांचक दिन का ये शानदार अंत है।